गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और मैं आज आप लोग लेके आई हूँ मीशो शॉपिंग हॉल। मीशो से रिसेंटली मैंने परचेज करी है इस सावन और फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी साड़ी, सारी की सारी साड़ी एक से बढ़कर एक है। तो हॉल आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और इनमें से आपको कुछ भी पसंद आए तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेजिंग लिंक आपको मिल जाने वाली है हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आपको परचेज करना बहुत ज्यादा इजी होगा। भाई इस गर्मी में तो हालत खराब कर रखी है, शायद आपके भी सिटी में बहुत ज्यादा गर्मी होगी। भाई यहाँ पे यूपी में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। साड़ी बहुत अच्छी होने वाली है इस रक्षाबंधन फेस्टिव सीजन, साथ ही साथ वेडिंग सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक साड़ी मैंने वेयर की हुई है जिसे मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज किया है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। यहाँ पे अपनी आईडी मेंशन कर रही हूँ तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, और फॉलो करने का मन करे तो फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ पे आपको रिसेंटली अपडेट्स देती रहती हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता देना चाहती हूँ साड़ियाँ जितनी भी हैं वो 1200-1300 रुपए के अंदर अंदर की हैं और स्टार्टिंग रेंज 500 रुपए से स्टार्ट है। सारी साड़ी बहुत अच्छी है, आप इनको परचेज कर सकते हैं। मैंने इनमें से एक भी अनबॉक्स नहीं किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्हें सब आप लोगों के सामने ही अनबॉक्स करने वाली हूँ और जो मेरा रिव्यू होगा फर्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ होने वाला है, और मुझे कैसी लग रही है, कैसी होनी चाहिए या फिर क्या सोचा था, ये सभी आपको पता चल जाएगा इस हॉल में। तो हॉल को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि आप लोग पास मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहे। अब बिना देर करते हुए हम चलते हैं हमारी हॉल की तरफ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ सीरियसली बहुत सारी साड़ियाँ शेयर करनी है। सारी ही रिसेंटली लॉन्च हुई साड़ियाँ हैं, साथ ही साथ सारी की सारी साड़ीज बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। हम लोग चलते हैं हमारी साड़ीज की तरफ जो हैवी से दिख रही होगी, सबसे पहले हम उसे खोलते हैं। अच्छा, जो मैंने खोली हुई है सबसे पहले हम उसी को शेयर करते हैं। ये मिलने वाली है आपको बहुत ही बस पर्पल कलर में, बोलना चाहिए एग्जैक्टली वाइन कलर में आपको मिलने वाली है। बिल्कुल प्लेन साड़ी है, उसका प्राइस शायद अंडर 500 या 600 रुपीज़ होगी। उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट साड़ी है, जॉर्जेट फैब्रिक में ये आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सिल्वर लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी कुछ इस तरीके की। तो साड़ी हम सारी डिटेल देखते हैं और सारी साड़ीज देख लेना आपको कैसी लग रही है। इस साड़ी की बात कर लेते हैं तो ये रहा इसका पल्ला पार्ट। पल्ला पार्ट ऐसा कि आपको लेस लगी हुई मिल रही है इसलिए पल्ला पार्ट मैंने डिफाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लेस की डिटेलिंग है, मैं आपको इमेज दिखा दूंगी। जॉर्जेट फैब्रिक की आपको साड़ी मिलने वाली है, बहुत ज्यादा लाइट वेट सी, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सी है। जो लोग डेली वेयर में साड़ीज पहनना पसंद करते हैं या आप इसे ट्राई कर लो, काफी लाइट वेट सी साड़ी है। लेस की डिटेलिंग काफी अच्छी सी की गई है, साड़ी बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है। प्लेन है बट स्टिल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि मैंने जब इसकी इमेज देखी तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही थी। साड़ी बहुत ही खूबसूरत सी है, पूरे नीचे वाले पार्ट में भी यहाँ पे भी आपको लेस की अच्छी खासी डिटेलिंग मिलने वाली है और ये पूरे नीचे तक कैरी की गई है। इसी के साथ साथ हम लोग इसके ब्लाउज की बात कर लेते हैं। ब्लाउज इसका आपको अलग से फैब्रिक मिलने वाला है कुछ इस तरीके का, और तफेटा सिल्क फैब्रिक में आपको इसका ब्लाउज मिलने वाला है। आप अपने हिसाब से स्टिच करवा सकते हैं। ये लेस आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, तो आप चाहो तो लेस में, ब्लाउज में, साथ ही साथ बैक साइड में आप इसकी लेस वगैरह अटैच करवा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी साड़ी है, अंडर 500 रुपीज है, उस हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है, एकदम बढ़िया सा पीस है, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी, और इसे अनबॉक्स नहीं किया है बहुत टाइम से। जैसे साड़ी साड़ीज को ना अनबॉक्स करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो हम ये साड़ी खोल लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फैब्रिक इसका मिलने वाला आपको सिल्क फैब्रिक, टॉपी को भी अनबॉक्स करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी है। और इस तरह की साड़ीज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, भरी भरी सी साड़ीज हो जो कि बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले हम इसके पल्लू की बात कर लेते हैं साड़ी के। मैंने किसी को भी अनबॉक्स नहीं किया, आपके सामने अनबॉक्स किया तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा काम मिल रहा है। आप देखिए जरी का, सिक्वेंस का, साथ ही साथ थ्रेड का बहुत ही बढ़िया सा काम है। साइड में आपको कुछ इस तरीके के टसल्स मिलने वाले हैं, पूरी ही साड़ी में बर्थ बाइंग साड़ी है। रक्षाबंधन के लिए आप इसे परचेज कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे सावन के लिए, वेडिंग सीजन के लिए भी परचेज कर सकते हो। साड़ी बहुत ही बढ़िया सा फैब्रिक, बहुत ही अच्छा सा है, लाइट सा फैब्रिक है, साथ ही साथ इतना बढ़िया सा बॉडी हगिंग फैब्रिक है ये, तो आप इसे जब वेयर करोगे तो ये साड़ी पूरी फूलने नहीं वाली, तो बहुत ही बढ़िया सी है। पूरे में आपको सेम कुछ इस तरीके काम मिलेगा, कट वर्क में आपको देखिए यहाँ पे इसकी बॉर्डर मिल रही है, बहुत ही बढ़िया साड़ी है। ऐसा नहीं फैब्रिक का जो बॉर्डर है वो लगाया गया हो, फैब्रिक में ही इसमें थ्रेड का काम किया गया है। तो ये रहा हमारा पूरा पल्ला पार्ट, साथ ही साथ पूरे ही साड़ी में आपको नीचे बीच बीच में भी काम मिल जाएगा, जो फ्लावर्स बने हुए हैं बीच बीच में आपको फ्लावर्स बने हुए मिल रहे हैं। साड़ी बहुत ही शानदार सी है, बहुत पास से दिखा रही हूँ, कोशिश करूंगी कि इन साड़ी का ट्राई ऑन आप लोगों से शेयर कर पाऊँ, और अगर नहीं कर पाई तो आप ऐसे ही इसे देख लीजिए, काफ़ी प्यारी सी साड़ी है भैया।
अब इसके ब्लाउज की बात कर लेते हैं, तो ब्लाउज आपको कुछ इस तरीके का वेलवेट का ब्लाउज मिलने वाला है। ओ माय गॉड, बिल्कुल भरा हुआ प्यारा सा ब्लाउज मिल रहा है। मुझे ब्लाउज का अंदाजा नहीं था कि इसका ब्लाउज इतना खूबसूरत सा आने वाला है। ये देखो आप, वेलवेट फैब्रिक का ब्लाउज मिल रहा है। तो ये रहा इसका फ्रंट एंड ये रहा इसका नीचे बैक, साथ ही साइड में आपको स्लीव्स दी गई हैं। आपको शायद क्लियरली कैमरे में दिख रहा हो कितना प्यारा सा ब्लाउज है, वेलवेट फैब्रिक का है। इसके अंदर आपको इनर लगवाना पड़ेगा। ब्लाउज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा भरा हुआ ब्लाउज है। तो आप ये साड़ी भी ट्राई करके देख लो यार, रक्षाबंधन के लिए बिल्कुल परफेक्ट साड़ी है, साथ ही साथ वेडिंग फंक्शन तो एकदम परफेक्ट साड़ी है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये वाली साड़ी टैन ऑन टैन वाली है। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीस पे, जो कि मैंने मंगवाया जुम्मी जो फैब्रिक में साड़ी। इस टाइम जुम्मी जो फैब्रिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो हम इसे अनबॉक्स करते हैं। बहुत ही बढ़िया सी साड़ी है, क्योंकि मैंने जितनी भी साड़ी मंगवाई है सारी वेडिंग फंक्शन को ध्यान में रखते हुए, साथ ही फेस्टिव फंक्शन को ध्यान में रखते हुए परचेज करिए। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं ये वाली साड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, साथ ही साथ ट्रेंड में चलने वाली साड़ी है। ये साड़ी यार मैं इसे बहुत टाइम से देख रही हूँ। आपने देखा होगा मेरे पास जुम्मी जू का बहुत ही ह्यूज कलेक्शन है। उसके बाद मैंने मंगवाई है सी ग्रीन की ये साड़ी, जो कि बहुत ही बढ़िया सी साड़ी आपको मिलने वाली है। पूरी में आपको कुछ इस तरीके का बॉर्डर बना हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे अलग से कुछ लगा, ओके, कुछ इस तरीके का बॉर्डर बना हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कट दाना जो होता है मोती वाला, वो लगाया गया है। कैमरे में शायद आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया सा काम किया गया। बीच बीच में आपको यहाँ पे स्टोन पेस्टेड मिल जाएंगे सिल्वर कलर के, सी ग्रीन कलर की साड़ी। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है। आप जितने अगर आप साड़ी का इमेज खोलेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कितने सारे कलर ऑप्शन है। आप साड़ी देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया सी है। ये पूरा पल्ला पार्ट है और यहाँ पूरा बॉर्डर तक, यहाँ पे पीछे तक ये काम कैरी किया गया, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पूरे में आपको स्टोन पेस्टेड मिल जाने वाले हैं। जुम्मी जो फैब्रिक है, जितना वो भारी काम होगा उसमें उतना कम वो सरकने वाली है। ऐसे आप बहुत जो सिक्योर करके पहनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल साड़ी। बहुत लोगों का रिव्यू है कि जुम्मी जो साड़ी स्लिप होती है, ये होती है, वो होती है, तो अगर आप उसको सही से पहनोगे तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होने वाली, जबकि आपको जॉर्जेट से भी अच्छा फील आएगा जब इसको पहनोगे आप। तो ये रहा ब्लाउज का फैब्रिक, जो आपको जुम्मी जो फैब्रिक में ही मिलने वाला है। साइड में यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल जाएगी स्लीव्स में लगाने के लिए या फिर बैक साइड लगाने के लिए। आप जहाँ पसंद करें उसे वहाँ लगवा सकते हैं। तो ये वाली साड़ी भी टैन ऑन टैन वाली है। मुझे तो भाई ऐसी कोई साड़ीज बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और मेरे पास सच में जुम्मी जू का बहुत ह्यूज कलेक्शन है। कभी हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साड़ी पर, जो कि मैंने परचेज करी है। बहुत ही प्यारी सी अनियन कलर में आपको ये साड़ी मिलने वाली है। इसे आप ही के सामने देखिए अनबॉक्स कर रही हूँ। साथ ही साथ बहुत ही प्यारा सा थ्रेड का काम किया गया है, सीक्वेंस का काम किया गया है। साड़ी बहुत ही खूबसूरत सी है। ये भी जुम्मी जू फैब्रिक की ही है, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। और जुम्मी जू इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप ट्राई करके ज़रूर देखना। जुम्मी जू आपको हर वैरायटी का मिल जाएगा। आप चाहो तो हज़ार रुपये से स्टार्टिंग है और 15,000 रुपये तक की साड़ी है जुम्मी जू में। ये वाली साड़ी आपको मिलने वाली है प्रॉपर अनियन कलर में, और बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। इसमें वाइट कलर के थ्रेड से सीक्वेंस है, बहुत प्यारा सा काम किया गया है। साड़ी का फील बहुत ही बढ़िया सा है, और जितना हैवी सा इसमें काम किया जाएगा उतना ही आपको आसान होगा इसे पहनना। तो जुम्मी जू में आप कोशिश यही करो कि हैवी से हैवी साड़ी परचेज करो, ताकि वो मतलब स्लिप ना हो, फूले ना। जितना अच्छा काम होगा उतनी फूलेगी कम। तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसे मैंने व्हाइट ब्लाउज के साथ कैरी किया हुआ है। जो ब्लाउज कैरी किया हुआ है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, वो मीशो से ही है। आप चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो। वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जितनी हैवी साड़ी है ना, इन सारी साड़ीज का अपना ब्लाउज स्टिच करवाइएगा, ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा आता है। बट अगर कभी मेरी तरह आपको पहनना हो ट्राई ऑन वगैरह के लिए, तो आप व्हाइट ब्लाउज साथ इसे कैरी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर में काम मिल जाए, वो कट वर्क वाला इसका बॉर्डर मिलने वाला है पूरी ही साड़ी का। साथ ही साथ देखिए आप, थ्रेड का सीक्वेंस का बहुत प्यारा सा काम किया गया है पूरी ही साड़ी में, कुछ इस तरीके का। साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये रहा इसका पल्ला पार्ट, और आपको ट्राई ऑन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि साड़ी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। बिना सोचे समझे आप इसे परचेज कर लो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये रही साड़ी। पूरा इसका पल्ला पार्ट है, नीचे भी आपको सेम बॉर्डर मिलने वाली है कुछ इस तरीके की ही, तो आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। फैब्रिक जुम्मी जू फैब्रिक है, थोड़ा सा हार्ड वाला फैब्रिक है। जो आपको लास्ट दिखाई वो थोड़ी स्लिपरी टाइप की थी, और उसका फैब्रिक थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको पहनना आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ब्लाउज पीस की, तो ब्लाउज पीस आपको कुछ इस कलर में मिलने वाला है। आपको वाइन कलर में इसका ब्लाउज पीस मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया सा कॉम्बिनेशन के साथ ब्लाउज पीस मिल रहा है आपको, कंट्रास्ट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये रहा इसका ब्लाउज का फ्रंट और बैक, आपको जहाँ भी लगवाना है इस टाइप का नेक तो आप लगवा सकते हैं। और एक साइड आपको प्लेन मिल जाएगा, साथ ही साथ एक साइड आपको यहाँ पर स्लिप मिल रही है बनी हुई, और नेक साइड की स्लिप इस वाले फैब्रिक में।
तो आप इसको भी स्टिच करवा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये मिल रही है। तो बिना सोचे समझे ऐसे ही परचेज कर लो, टैन ऑन टैन वाला पीस है, आप ऐसे ही परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीस पे, गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर साड़ी चूज करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कि आपको किस फैब्रिक में पहननी है, जो मुझे फैब्रिक पहनने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हम चलते हैं लहरिया प्रिंट की साड़ी की तरफ, क्योंकि भाई राखी है, सावन है, इस टाइम लहरिया प्रिंट, बांधनी प्रिंट बहुत ज्यादा ट्रेंड में होता है, इसलिए मैंने भी लहरिया प्रिंट पहना हुआ ग्रीन एंड रेड के कॉम्बिनेशन के साथ है। नेक्स्ट मैंने परचेज करी है पिंक कलर में लहरिया प्रिंट की ही है, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। फैब्रिक इसका आपको जॉर्जेट मिल जाने वाला है, क्योंकि मैं भाई प्रोडक्ट खरीदने से पहले इसकी डिटेलिंग पढ़ लेती हूँ। ये साड़ी आपको जॉर्जेट फैब्रिक में मिल रही है, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है, रानी कलर में आपको ये साड़ी मिलने वाली है। तो आप इस साड़ी को परचेज कर लीजिए, बहुत हैवी सी है, शादी पार्टी में बहुत अच्छी लगने वाली है, साथ ही साथ पहनने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगी, साथ साड़ी को दिन भर पहन के रख सकते हैं। साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इमेज में आप देख लीजिए साड़ी कितनी ही बढ़िया सी लग रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पल्ले पार्ट की, जो कि बहुत ही बढ़िया सा है। आप देख लीजिए पूरी ही साड़ी में आपको बहुत ही प्यारा सा लहरिया प्रिंट मिलने वाला है, कुछ इस तरीके का। साथ ही साथ बॉर्डर में जरी एंड सिक्वेंस का कुछ इस तरीके का काम मिलने वाला है, साथ ट्रायंगल शेप वाली लेस भी लगाई गई है। साड़ी बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसे आपको ट्राई करना तो बनता ही है, इसे आप परचेज कर लो, मज़ेदार पीस है। गोल्ड बैलेंस को कैरी किया है गोल्डन ब्लाउज के साथ, उसे मैंने मीशो से परचेज किया था, तो आप वो ब्लाउज ही परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया साड़ी है, साड़ी में आप काम देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। शिफॉन फैब्रिक है, पहनने बहुत लाइट वेटेड है, तो देख सकते हैं आप पूरी साड़ी आपको सेम प्रिंट के साथ मिल रही है, लहरिया प्रिंट है, साथ ही टाई एंड डाई वाला प्रिंट है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी के साथ साथ आपको मिलने वाला है तपेटा सिल्क फैब्रिक का प्लेन ब्लाउज। आप चाहो तो ब्लाउज रेडीमेड परचेज कर लो, क्योंकि रेडीमेड का ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप चाहें तो ये ब्लाउज स्टिच भी करवा सकते हैं। ये आपको पूरा मिल रहा है 1 मीटर का ब्लाउज, साथ ही साथ लास्ट में लगाने के लिए या फिर स्लीव्स में लगाने के लिए आपको बॉर्डर मिल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो ये साड़ी भी 10 on 10 वाली है, अच्छी खासी साड़ी है, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी पर, जो कि आपको थोड़ी सी कलरफुल मिलने वाली है, बट बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी मिल जाएगी। ये आपको क्रश पैटर्न में मिलने वाली है, और जो क्रश पैटर्न होता है वो बॉडी हगिंग फैब्रिक होता है, जब उसे पहनोगे ना तो बॉडी को बहुत अच्छे से हग करता है, तो बॉडी का जो शेप है वो बहुत ही परफेक्ट दिखाई देता है। अगर आपको इस तरीके की साड़ी पसंद है तो आप परचेज कर सकते हैं। और आलिया भट्ट ने कुछ इस तरीके की साड़ी प्लेन में ट्राई करी हुई है, और अब ब्रांड ने लॉन्च किया हुआ कुछ क्रश फैब्रिक में, साथ ही साथ जरी एंड सिक्वेंस के काम के साथ, तो बहुत ही बड़ी साड़ी, ऐसे भी आप ट्राई करके देख सकते हो। इसका शायद मैं आपको प्लेन कलर एक बार ही शेयर कर चुकी हूँ, और जो आप लोग लास्ट हॉल मेरा पसंद किया ना, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आप लोग साड़ी के हॉल शेयर करना चाहिए, तो फिर मैं ऐसी साड़ी का हॉल लेके आई हूँ, सूट सेट्स वगैरह से अलग हटके। आप प्रिंट देख सकते हैं साड़ी में, तो इस साड़ी में आपको शेडिंग में काम मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, डार्क लाइट फिर थोड़ा सा डार्क फिर लाइट, कुछ इस तरीके का शेड है। और जरियन सिक्वेंस का इसमें बहुत प्यारा सा काम किया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए थ्रेड टाइट का सिक्वेंस का बहुत ही बढ़िया सा काम किया, जो इसमें सिक्वेंस लगाए गए ना वो ना शाइनिंग वाले सिक्वेंस है, आप व्हाइट पिंक ब्लू सब तरीके से शाइन कर रहे हैं। बॉडी हगिंग फैब्रिक है, इसे आप ट्राई करके जरूर देखिएगा एंड जरूर देखिएगा। कुछ साड़ीज ऐसी हैं जिनके लिए मैं आपसे बोलूंगी कि आपको ना बिन सोचे समझे आग बंद करके ना परचेज करना चाहिए, लाइक दिस। ये बहुत ही खूबसूरत सी बहुत ही प्यारी साड़ी है, ट्रेंड के साथ अगर आपको चलना पसंद है, ट्रेंडिंग कपड़े आपको पहनना पसंद, तो ऐसा कुछ ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया सी शादी पार्टी फंक्शंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, साथ ही साथ राखी के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है ही। पूरे बढ़िया आपको थ्रेड का सिक्वेंस का काम मिल रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इसके ब्लाउज की। ब्लाउज आपको मिलने वाला है जॉर्जेट फैब्रिक का, और ब्लाउज आपको पहले से ही बना हुआ मिलने वाला है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आप देख लीजिए नेक बना के दी गई है, बैक साइड की भी नेक आपको बना के दी गई है, और स्लीव्स आपको इसमें से ही निकालनी है, कलरफुल स्लीव्स पहननी पड़ेगी आपको, एक साइड पिंक एक साइड ब्लू, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा आपको किस कलर में ब्लाउज बनवाना है। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीस पे, जो कि आपको अगेन मिलने वाला है बांधनी प्रिंट। बांधनी प्रिंट मैंने ज़्यादा कोशिश करी थी परचेज करने की, क्योंकि भाई बांधनी प्रिंट इस टाइम बहुत ज़्यादा इधर ट्रेंड में है, क्योंकि सावन चल रहा है, तो ये है बिल्कुल प्रॉपर सावन की वाइब देने वाली एक ग्रीन कलर की साड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और इसे मैंने काफ़ी टाइम से अपने कार्ड में ऐड किया हुआ है, और सोच के भी रखा हुआ था कि इसे सावन में ही परचेज करने वाली हूँ, तो फाइनली मैंने इसे परचेज किया। बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी आपको यहाँ पे मिल रही है, सबको शायद कलर ऑप्शन मिल जाएगा फिर नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, अगर कलर ऑप्शन होंगे तो मैं साइड में स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी कलर ऑप्शंस आप लोगों के लिए, और अगर नहीं होगा तो आप ये वाला कलर परचेज कर लीजिएगा, बिल्कुल तोता कलर है एकदम बढ़िया सा। ये देखिए बहुत ही प्यार से प्रिंट के साथ ही आपको साड़ी मिलने वाली है, साड़ी वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ट्रेंडिंग पीस रहा एक टाइम पे ये, और अब मेरे हाथ लगा तो भाई मैंने भी इसे परचेज कर लिया है।
ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी मिलने वाली है, पूरा लहरिया प्रिंट के साथ ही आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर में जरियन सीक्वेंस का बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छा सा काम किया गया है। साथ ही साथ आप देख लीजिए पूरी ही साड़ी में सेम प्रिंट किया गया है लहरिया प्रिंट, जो कि अच्छा लग रहा है। साड़ी बहुत ज्यादा लाइट वेट सी है, पहनने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, तो बिना सोचे समझे आप इसे परचेज कर लीजिए। और अंडर बजट शायद 600 या 700 रुपए की है, जो भी प्राइसेस होंगी मैं साइड में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। पहनने के बाद मेरे ऊपर कैसी लग रही थी ये आप लोग जरूर कॉमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और इसको मैंने इसी ब्लाउज के साथ कैरी किया हुआ है, क्योंकि मैं इसका ब्लाउज स्टिच नहीं करवा पाई हूँ अभी। आप देख सकते हैं आप साड़ी ब्लाउज कितना ही बढ़िया लग रहा है, पूरा भरा हुआ आपको ब्लाउज मिलने वाला है, जरियन सीक्वेंस का बहुत प्यारा सा काम मिल जाएगा, तो आप इसे स्टिच करवा लीजिएगा। ब्लाउज अभी ये डबल है, इतना छोटा सा ब्लाउज नहीं है, डबल है ये ब्लाउज का फैब्रिक, ठीक है। तो आप इसको स्टिच करवा लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सी साड़ी है, डेली वेयर, ऑफिस वेयर, एथनिक वेयर पहनने के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, साथ ही साथ एप्रोप्रिएट है, तो आप इसे परचेज कर लीजिए। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साड़ी पे, जो कि मैं करिए अगेन जुम्मीचू फैब्रिक में, बहुत ही बढ़िया सी साड़ी है। और मोस्टली मैंने कोशिश किया थीम ली हुई थी, एक प्रकार से मैं ये कह दूं कि मैंने ग्रीन साड़ी की थीम ली हुई थी, लहरिया साड़ी और ग्रीन साड़ी की थीम थी, कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लहरिया और ग्रीन दिखा पाऊं, क्योंकि इस सावन में मोस्टली लोग लहरिया और ग्रीन साड़ी पहनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगेन ये साड़ी आपको मिलने वाली है ग्रीन कलर में, सभी साड़ी में आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप लोग सबके कलर ऑप्शन चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको फैब्रिक इसका मिलने वाला है जुम्मीचू, बहुत ही बढ़िया सी साड़ी है, इसमें जरियो सीक्वेंस का बहुत तरह सा काम किया गया है, साड़ी लाइट वेट सी है, बहुत कंफर्टेबल है पहनने में, तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो ये रही हमारी साड़ी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी साड़ी मिल जाने वाली है, जुम्मीचू फैब्रिक है, आप देखिए जरियन सीक्वेंस का कुछ इस तरीके काम मिलने वाला है पूरी ही साड़ी में, तो आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी साड़ी है, पूरे में आपको काम मिल रहा है जरी का, ये देखिए जो लाइनिंग्स बनाई गई हैं जरी की बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। ये पूरा पल्ला पार्ट था, इसी के साथ साथ नीचे वाले इसमें आपको स्कर्ट पैटर्न में काम मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। अब हम इसके ब्लाउज की बात कर लेते हैं, तो ब्लाउज इसका पूरा आपको सेम कलर में मिलने वाला है, पर ब्लाउज में आपको कुछ इस तरीके की बूटी बनी हुई मिल जाने वाली है, बहुत ही बढ़िया सा ब्लाउज मिल जाएगा, तो आप इसे अच्छी तरीके से स्टिच करवा लीजिएगा, बहुत बढ़िया लगने वाला है। और पता है मैं जब आज डिटेल अपना मीशो चेक कर रही थी, तो मैंने चेकआउट किया कि कुछ कुछ प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, और जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे तो मैं उनका लिंक तो आप लोग को नहीं दे पाऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहिएगा, कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आए उनका लिंक मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ आपको ज़रूर लिंक्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साड़ी पे, जो कि आपको मिल जाने वाली है बांधनी प्रिंट में, बहुत ही बढ़िया सी साड़ी है, बहुत ही बढ़िया लहरिया बांधनी प्रिंट, इससे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसे ही परचेज कर सकते हैं, ये आपको अंडर 700 या 800 रुपीज़ मिलने वाली है, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है, बांधनी प्रिंट में आपको बहुत ही बड़ा जरियन सीक्वेंस का काम मिल जाएगा। तो हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं सबसे पहले, फिर इसकी बात करते हैं। ये भी आपको मिल रही है जॉर्जेट फैब्रिक में, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी मिल जाएगी, इसके साथ आपको ब्लाउज का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है ग्रीन, और मैं इस साड़ी को भी इस ब्लाउज के साथ ही कैरी करने वाली हूँ। साथ ही साथ जो मैंने साड़ी पहनी है इसका ब्लाउज नहीं है, इसका ब्लाउज बिल्कुल अलग से, वो आपको दिखा दूंगी बाद में, पर अभी हम बांधनी प्रिंट की ये साड़ी देखते हैं, जो कि कई जगहों पर ना ये साड़ी ना फेरों के टाइम पे वेयर की जाती है, बहुत ही खूबसूरत सी, आपको यहाँ पे देखिए मोर पंख बना हुआ मिल जाएगा, पूरे में आपको बीच बीच में जरियन सीक्वेंस का काम मिल रहा है, साइड में जरियन सीक्वेंस का काम मिल रहा है, लेस लगी हुई मिल रही है, साथ ही साथ साइड में आपको ग्रीन कलर की पाइपिंग भी मिल रही है कुछ इस तरीके की। साड़ी जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो, लाइट वेट साड़ी है, साथ ही साथ फंक्शन वगैरह पहनने के लिए बहुत अच्छी है, कभी कभार शादीज में ऐसे फंक्शन होते हैं कि ऐसा कुछ ट्राई करने का मन करता है कि भाई ऐसा कुछ पहनो जो एथनिक टच में बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाए आपको, तो ये सारे पीसेस बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, तो आप इन्हें जरूर परचेज कर लो। साड़ी बहुत ही खूबसूरत सी है, पूरे नीचे साइड आपको यहाँ पे कुछ स्कर्ट वर्क में ऐसा काम मिल जाएगा साड़ी में, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, साथ ही साथ आप भैया ट्राई ऑन जरूर देख लीजिएगा साइड में, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी दिसी हुई है। ये रहा इसका ब्लाउज, जो कि आपको प्लेन मिलने वाला है, ये भी तफेटा सिल्क फैब्रिक का मिल जाएगा, साथ ही साथ साइड में आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लीव्स बनी हुई मिल रही है गोल्डन कलर की, आप चाहे तो बैक साइड भी ले सकते हैं, आप चाहे स्लीव्स में भी इसे लगवा सकते हैं, तो ये साड़ी भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं पिंक कलर की साड़ी पे, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और खूबसूरत सा पीस है, बहुत ही बढ़िया सी साड़ी है, इसे पहले अनबॉक्स कर चुकी थी क्योंकि मैंने इसे अपने मीशो लाइव में एड ऑन किया हुआ था। साड़ी बहुत ही खूबसूरत सी है, इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, शायद 8 या 12 कलर ऑप्शन है, तो आप जिस कलर में परचेज करना चाहें आप परचेज कर सकते हैं।
शादी फंक्शंस के लिए, राखी के लिए बहुत ही परफेक्ट साड़ी है। पूरे ही बॉर्डर्स में आपको जरी का कुछ इस तरह काम मिल जाएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये काम किया गया है। बैक साइड से आप देख सकते हैं कि आपको फिनिशिंग समझ में आ जाएगी, पूरे फिनिशिंग से काम किया गया है। बीच बीच में आपको यहाँ पे स्टोन ट्विस्टेड मिल जाएंगे। कलर है इसका बिल्कुल रानी पिंक कलर, मैजेंडा कलर है बिल्कुल। तो आप इसको ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा। पूरे आपको बॉर्डर का काम मिल रहा है, ये रहा इसका पूरा पल्ला पार्ट, साथ ही साथ नीचे साइड आपको स्कर्ट पैटर्न में कुछ ऐसा काम मिल जाएगा। तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया साड़ी है, फैब्रिक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में। और ये रहा इसका ब्लाउज जो कि रनिंग फैब्रिक में ही मिलने वाला है। ब्लाउज ऑलरेडी आपको यहाँ पे देखिए प्री स्टाइल डिज़ाइन करके दिया हुआ है, आपको कट करके इसको स्टिच करवाना है तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पीस पे, जो कि आपको मिलने वाली है पर्पल कलर में लहरिया। क्योंकि सब लोग हरा लाल पीला पहनेंगे तो भाई पर्पल कलर कौन पहनेगा, तो मैंने पर्पल कलर में लहरिया साड़ी मंगवाई है, जो कि आपको अंडर बजट A1 साड़ी मिलने वाली है। बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी, ऐसे मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को पहने हुए देखा है, तो फाइनली मैंने भी सोचा कि मुझे भी ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए। और आपको मिलने वाली है बहुत ही शिफॉन फैब्रिक की साड़ी मिल जाएगी, बहुत ही प्यारा सा काम किया गया। सबसे पहले हम साड़ी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। साड़ी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी है। तो ये रहा इसका पल्ला पार्ट, यहाँ पे आपको थ्रेड का और फॉल्स मिरर का बहुत ही बढ़िया सी डिटेलिंग मिल जाने वाली है। साड़ी बहुत ही बढ़िया है, आप प्रिंट देख सकते हैं, लहरिया प्रिंट मिल रहा है पूरे में आपको, बहुत ही बढ़िया सा प्रिंट मिल रहा है। साथ ही साथ जो नीचे आप प्लेट्स में आपको यहाँ पे नीचे साइड ना देखिए, यहाँ पे आपको फॉल्स मिरर और थ्रेड का बहुत ही बढ़िया सा काम भी मिल जाएगा। तो आप इस साड़ी को भी ट्राई करके देख सकते हैं भाई, शिफॉन फैब्रिक की साड़ी और आपको अंडर बजट मिल रही है, आपको क्या ही चाहिए। इसी के साथ साथ आपको रनिंग फैब्रिक में ही ब्लाउज मिल जाएगा, जो कि शिफॉन फैब्रिक का ही है, बट जो ब्लाउज है वो बिल्कुल प्लेन रखा गया। मेरे पास ऐसा कुछ तो नहीं है, पर मैंने इसे व्हाइट ब्लाउज के साथ कैरी किया हुआ है। सबकी ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। एक तो मैं आपको ऑल प्रोडक्ट्स लिंक्स भी देने वाली हूँ, साथ ही साथ मैं आपको लिंक दे दूंगी सारे ही प्रोडक्ट्स के सेपरेट, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ब्लाउज में भी आपको अलग से ही ये वाला काम मिल रहा है, तो आप इसे बैक साइड या फिर अपने स्लीव्स में लगवा सकते हैं। साड़ी बहुत ही बढ़िया लाइट वेट की साड़ी है, तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी पे, जो कि आपको मिलने वाली है ग्रीन कलर में। फैब्रिक मुझे इसका पर्टिकुलरली पता नहीं है, तो मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ। मुझे साड़ी भी याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ मंगवाया है। तो ये आपको मिलने वाली है जुम्मे से फैब्रिक की, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी। वाकई साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इस साड़ी को भी मैं इस ब्लाउज के साथ ही कैरी करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा, साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे पहले हम इसके ब्लाउज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लाउज सबसे ऊपर रखा हुआ है, तो साड़ी का ब्लाउज आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया सा जरीन सीक्वेंस के काम के साथ। और भाई साड़ी में सारी साड़ीज में अपना ब्लाउज ही कैरी कर रही हूँ, तो अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो अपने ब्लाउजेज आप देख लीजिएगा। ये ब्लाउज मेरी एक ऑफलाइन परचेज करी साड़ी का है, तो मैंने इसे वेयर किया हुआ ब्लाउज, बहुत ही बढ़िया था। अब हम बात करते हैं इसकी साड़ी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जुम्मे जो फैब्रिक की साड़ी है बहुत ही बढ़िया लग रही है। सबसे पहले हम इसका पल्ला ढूंढते हैं और फिर पल्ले पार्ट की बात करेंगे। तो साड़ी आपको कुछ इस तरीके की मिल जाने वाली, कभी कभार ना शॉपकीपर्स ऐसे फेंक के दिखाते हैं आप लोगों को साड़ी, मैंने भी साड़ी कुछ उस तरीके का ही फेंका। साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप साड़ी को देख लीजिए। यहाँ पे आपको कट वर्क में आपको बॉर्डर मिल जाएगी पूरी, और यहाँ पे आप देखिए बहुत पास से ना यहाँ पे जरी का काम किया गया है, जैसे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने पर्सनली ग्रीन कलर मंगवाया हुआ है, क्योंकि अभी सावन चल रहा है और लोगों का ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कलर होता है, तो मैंने इसका ग्रीन कलर ही मंगवाया हुआ है। जरियन सिक्वेंस का बहुत प्यारा सा और बहुत बारीकी से काम किया गया। बैक साइड आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक भी थ्रेड देखने को नहीं मिलेगा। साड़ी में काम बहुत अच्छा किया गया, पूरी साड़ी में सेम काम किया गया। फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा सा है, लाइट सा जुम्मी जू फैब्रिक है, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। बीच बीच आपको कुछ इस तरीके के पैच बने हुए मिल रहे हैं छोटे छोटे से, तो आप इस साड़ी को भी ट्राई करके देखो यार, बहुत ही बढ़िया साड़ी है। पूरे में सेम काम कैरी किया गया, नीचे साइड आपको स्कर्ट पैटर्न में काम मिल जाएगा, तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा। और ये रहा लास्ट में बांधने वाला फैब्रिक, जो कि बहुत ही बढ़िया ब्लाउज में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। मैं वैसे साड़ी में ब्लाउज ढूंढ रही थी, बट मुझे फिर याद आया कि मैं ब्लाउज आपको दिखा चुकी हूँ। साड़ी बहुत ही बढ़िया से जबरदस्त फैब्रिक की है, सारी ही साड़ीज आपको मैंने इस सावन सीजन को साथ ही साथ राखी सीजन को ध्यान में रखते हुए परचेज किया है। और ये साड़ीज इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि आप इसे किसी भी वेडिंग फंक्शन में भी पहन सकते हैं, अगर आप पहनना चाहें तो। और इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं एक लास्ट ब्लाउज, जो कि मैंने ब्लैक कलर का परचेज किया, रिसेंटली परचेज किया है, और मुझे ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको तफीरा सिल्क फैब्रिक में मिल जाएगा, साइज मैंने इसमें शायद परचेज किया है 36। ब्लाउज बहुत ही बढ़िया सा कंफर्टेबल ब्लाउज है, बैक साइड में आपको यहाँ पे हुक मिल जाने वाला है, और इसमें आपको स्लीव्स का फैब्रिक मिल रहा है अलग से, अगर आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हैं। वैसे मैं नहीं लगवाने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इतना सा ही स्लीव्स आएंगी,
तो ब्लाउज का फैब्रिक तो मैं नहीं लगवाने वाली हूँ, बैक साइड से आपको अच्छे खासे हुक मिल रहे हैं, फ्रंट से आपको पैडेड मिलने वाला है। ब्लाउज बहुत ही बढ़िया सा स्लीवलेस ब्लाउज है, तो आप इसको भी ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। और एक आध साड़ी में शायद मैंने इसको वेयर किया हुआ है। ब्लाउज कैसा लग रहा है, साड़ी का कलेक्शन कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज और प्लीज बताइएगा। साथ ही साथ आपको सबसे ज्यादा कौन सी साड़ी पसंद आई ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ जी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम फिर मिलते हैं एक नए हॉल के साथ, क्योंकि अभी राखी चल रही है, सावन चल रहा है, तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे अच्छे कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। हम फिर मिलते हैं एक नए हॉल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।